नमस्कार, स्वागत है आपका। एक्सप्रेस रिपोर्टर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। एक्सप्रेस रिपोर्टर में पहले आपको खबर दिखाएंगे भोपाल की। मानसून के मौसम में सरकार ने बिजली के उपभोक्ताओं को जोर का झटका दिया है। मध्यप्रदेश के लोगों को अब बिजली के लिए ज्यादा दाम चुकाने होंगे। विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की नई दरें घोषित कर दी हैं। इससे प्रदेश में बिजली करीब 7% महंगी हो गई है। पुरानी दरों की तुलना करें तो प्रति स्लैब 20 से 30 पैसे प्रति यूनिट दाम बढ़ गए हैं। बिजली की नई दरें 17 अगस्त से लागू होंगी। विद्युत वितरण कंपनियों ने 12.03% बढ़ोतरी की मांग की थी, लेकिन आयोग ने 7% बढ़ोतरी स्वीकार की है। नई दरों में किसानों को 10 हॉर्स पावर तक के पंपों पर राहत दी है। सरकार हर साल बिजली के रेट बढ़ाती है और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा मध्यम वर्ग को भुगतना पड़ता है। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर निर्मल सिंह बैस। विश्व आदिवासी दिवस को लेकर मध्यप्रदेश सरकार पूरे मध्यप्रदेश में मेगा शो मना रही है। इस आदिवासी दिवस को मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार बड़े ही धूमधाम के साथ मना रही है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में तमाम जगह बड़े बड़े कार्यक्रम रखे गए। सीएम कमलनाथ छिंदवाड़ा में रहे और इसके अलावा झाबुआ में एक बड़ा आदिवासी कार्यक्रम रखा गया। सीएम कमलनाथ ने आदिवासियों के लिए आज बड़ी सौगात दी। देखिए, वही सबसे अनोखा नजारा हमें भोपाल के कांग्रेस कार्यालय के बाहर देखने को मिला, जहाँ आदिवासी छात्र छात्राओं के साथ आदिवासी समाज के परंपरागत नृत्य में मंत्री पीसी शर्मा थिरकते नजर आए। मध्य प्रदेश की 30% आबादी आदिवासी समाज का आज आदिवासी दिवस है। मध्य प्रदेश सरकार जगह जगह बड़े कार्यक्रम करके मध्य प्रदेश में आदिवासी दिवस को बड़े जश्न और धूमधाम के साथ मना रही है, ताकि आदिवासियों के जीवन में आत्मन बदलाव आ सके। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर अमोल शर्मा। आदिवासी दिवस पर प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में आदिवासी समाज द्वारा भव्य रैली निकाली गई। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में आदिवासी कर्मचारी अधिकारी संगठन आकाश द्वारा विशाल रैली और आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोगों द्वारा भाग लिया। संगठन के अध्यक्ष जगन सोलंकी ने मीडिया में चर्चा में बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में 1994 में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया गया था, जिसके बाद से ही आदिवासी समाज 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन करता है। इस बार इंदौर में विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासी समाज द्वारा विशाल महारैली का आयोजन किया गया है, जिसके अंदर आदिवासी समाज के प्राकृतिक व संवैधानिक अधिकारों की समीक्षा की गई है। वही आदिवासी समाज पूरी रैली के अंदर अपनी पारंपरिक वेशभूषा के अंदर नजर आए। वही आदिवासी समाज द्वारा रैली के अंदर अपनी पारंपरिक वेशभूषा के साथ पारंपरिक नृत्य करते हुए दिखाई दिए। आदिवासी समाज द्वारा निकाली गई रैली के अंदर समाज जन अपनी पारंपरिक वेशभूषा व अपने पारंपरिक नृत्य करते दिखाई दिए। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। कांकेर जिले भर में अलग अलग जगहों पर विश्व आदिवासी दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कांकेर शहर में सिंगारभाट गोडवाना भवन में देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने के बाद रैली निकाली गई, जो कि शहर के मुख्य मार्ग होते हुए मेलाभाटा मैदान पहुंची और सभा का आयोजन किया गया। वहीं चारामा, भानुप्रतापुर, अंतागढ़, पखांजूर व अन्य ब्लॉकों में विश्व आदिवासी दिवस पर विविध कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। साथ ही सभा को संबोधित करते हुए समाज जनों ने कहा कि बस्तर की आदिवासी संस्कृति को सभी मिलजुल कर बचाए रखने व भाईचारे के साथ रहने की बात कही। कांकेर से एक्सप्रेस रिपोर्टर सुशील सलाम। सरकार कांग्रेस की और अध्यक्ष जो है कांग्रेस के, और उनका मंच गिर जाता है। और इस मामले में 4 दिन बाद भी पुलिस की लापरवाही का आरोप लगाने के बाद भी पीसीएसएफ द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सरकार कांग्रेस की है, अध्यक्ष पीसीसी के मोहन मरकाम आदिवासी हैं। और देखिए, हालात ये हैं कि 4 दिन बाद भी पीसीसी अध्यक्ष का मंच गिरा, मंच से घायल हुए। मुंगेली में उनको सरकारी डॉक्टर उपलब्ध नहीं हुआ और बिलासपुर पहुंच के किसी तरीके से इलाज सरकारी डॉक्टर सीएमओ वगैरह पहुंच कर उनको राहत दी, लेकिन मुंगेली में उनको कोई राहत नहीं मिली। वहां पर जिस तरीके से घटना हुई है उसको लेकर के पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम आदिवासी नेता ने पुलिस प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठाए थे, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सरकार भी है और मुख्यमंत्री भी कांग्रेस का है, लेकिन ऐसे में अगर सत्ताधारी दल के अध्यक्ष
कि बोलने के बाद अगर उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो रही तो फिर आम जनता की कौन सुनेगा। मुंगेली में पीसीसी अध्यक्ष का मंच गिर गया था और मंच गिरने से पीसीसी अध्यक्ष घायल हो गए थे। बिलासपुर में जब इलाज के लिए पहुंचे थे तो उन्होंने आरोप लगाया था कि पुलिस प्रशासन की लापरवाही है, लेकिन इस मामले में आज चार दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बिलासपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर चैनल। छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गाँव की बेटी अमेरिका में जाकर खेल की दुनिया में भारत के नाम रोशन कर रही है। जांजगीर चांपा की बेटी अंजलि पटेल कैटलीना अमेरिका में होने वाले चैनल तैराकी रिले प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रही है। कैटलीना चैनल स्विमिंग फेडरेशन की ओर से आयोजित है। अमेरिका के कैलिफोर्निया के सेंट कैटलीना आइलैंड से रेंचोस कॉलेज वेदर्स तक 46 किलोमीटर में रिले रेस में शामिल होगी। 18 और 19 अगस्त को होने वाले फाइनल में 6 तैराकों की टीम 19 घंटे में लक्ष्य हासिल करेगी। इसके पहले 15 दिनों की प्रैक्टिस होगा। अंजलि पटेल की नंबर 1 और इंडिया में दूसरे रैंक की तैराक है। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अंजलि पटेल ने स्वराज एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए बताया कि पूरी टीम ने जी तोड़ प्रैक्टिस की है। पुणे के टिक्कन में जिम खाना में एक माह का कैंप था। कैलिफोर्निया का मौसम अभी बहुत अलग है, अभी यहाँ ठंड बहुत है, ऐसे में समुद्र में तैरना बहुत बड़ी चुनौती है। समुद्री लहर, व्हाइट शार्क, जेली फिश, खारा और ठंडे पानी का खतरा है, लेकिन अपने टारगेट पूरा कर रिकॉर्ड बनाकर देश का नाम ऊंचा करेंगे। बहुत ही जल्द इतिहास के पन्नों में एक नया रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा और अब देखना होगा कि भारत सरकार इन खिलाड़ियों को किस तरह से मदद देती है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर सत्या राजपूत। आरक्षण के खिलाफ बंद का ग्वालियर शहर में कोई खासा असर नजर नहीं आया। ग्वालियर में आज आरक्षण के विरोधियों ने सोशल मीडिया पर शहर बंद कराने का ऐलान कर दिया। राजा चौहान की अगुवाई में करीब 2 दर्जन से ज्यादा युवा मुरार इलाके में बंद कराने के लिए पहुंचे थे। जैसे ही सामान्य वर्ग के छात्र मुरार में बाजार बंद कराने की कोशिश करने लगे, उसी दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और जब छात्रों ने बंद कराने के लिए नारेबाजी की तो पुलिस ने उन सबको वहां से खदेड़ दिया। इस दौरान बंद की अगुवाई कर रहे राजा चौहान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। गौरतलब है कि राजा चौहान पिछले साल 2 अप्रैल को हुए एससीएसटी आंदोलन का आरोपी है। राजा पर आंदोलन के दौरान फायरिंग करने का आरोप है। उस दौरान राजा का वीडियो भी देश भर में वायरल हुआ था। राजा का कहना है कि वह आंदोलन कर रहे थे लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। पुलिस का कहना है कि आरक्षण के विरोध में बंद कराने की कोशिश को पूरी तरह विफल कर दिया गया है और राजा चौहान को हिरासत में ले लिया गया है। खास बात यह थी कि बंद कौन और किस लिए कर रहा है इसकी जानकारी प्रशासन के पास नहीं थी, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन ने शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो जाए। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। नगर निगम द्वारा स्थापित की गई गुमटियों को लेकर सियासत गरमा गई। एमपी नगर क्षेत्र में गुमटी रखने को लेकर राजनीति गरमा गई है। प्रदेश का व्यापारिक हब कहलाने वाला एमपी नगर इन दिनों सुर्खियों में छाया हुआ है। नगर निगम द्वारा एमपी नगर में रेल पटरी के पास में गुमटी रखने पर अड़ा है तो कोचिंग क्लास चलाने वाले उसके खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। कोचिंग क्लास व दुकान मालिकों ने रैली निकालकर अपना विरोध प्रकट किया, जिसके बाद लड़कियों की सुरक्षा के आगे भोपाल प्रशासन झुक गया। वहीं बात कर लिया दुकानदारों को लेकर तो पहली एमपी नगर के व्यापारियों की पहली जीत हुई। व्यापारी प्रतिनिधि मंडल और निगम अफसरों में मीटिंग रैली के बाद व्यापारी प्रतिनिधि मंडल और नगर निगम के अफसरों के बीच मीटिंग का बड़ा फैसला लिया गया। मीटिंग में डिसीजन निकल के आया कि कोचिंग क्लास के सामने नहीं खुलेगी गुमटियां। निगम कमिश्नर ने दिया आश्वासन, प्रशासन और व्यापारियों की कमेटी खोलेगी गुमटियों के लिए एमपी नगर में नया स्थान। सियासत गरमाने के बाद कोचिंग क्लासेस के लोगों ने भी अपना हाथ यहाँ पे छोड़ा और बच्चों के नाम पर सियासत करना शुरू कर दिया। समय बताता है क्या दुकानें स्थापित हो पाएगी या नहीं। एक्सप्रेस रिपोर्टर संजय डोंगर भोपाल। नौ प्रशासन हमले में गुंडों के खिलाफ एक बार फिर अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान की शुरुआत बच्चे को अमान्य प्रताड़ना देने वाले गुंडे मुख्तियार के अवैध निर्माण हटाने के साथ की गयी। अमानवीय प्रताड़ना देने वाले बदमाश के अवैध निर्माण वार्ड क्रमांक 37 के राधिका कुंज और स्वर्णबाग कॉलोनी में थे। वहां खाली जमीन पर कब्जा कर भवन निर्माण और स्थायी टीम से डालकर अतिक्रमण किया गया था, जिसे शुक्रवार को नगर निगम के अमले ने जमींदोज कर दिया। कार्यवाही के दौरान निगम और पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी पूरे समय मोर्चा संभाल रखा था। गौरतलब है कि बच्चों के अपहरण, मारपीट, टॉयलेट कमोड में मुंह डालने और झूठी गवाही देने के जुर्म में गुंडे मुख्तियार को गिरफ्तार किया गया था। थाना एमआईजी पुलिस ने बुधवार रात गुंडे मुख्तियार, उसके भाई मुस्तकीम और इरफान के खिलाफ 17 साल के किशोर की शिकायत पर केस दर्ज किया था।
आरोपी के खिलाफ अपराधों की बड़ी लिस्ट देखकर पुलिस प्रशासन और निगम प्रशासन ने मिलकर गुंडे की कमर तोड़ने की योजना बनाई थी। इंदौर में पुलिस और निगम प्रशासन ने मिलकर कुख्यात बदमाशों की सूची बनाई है। अब इन अपराधियों की आर्थिक कमर तोड़ी जाएगी। इंदौर से रिपोर्टर दीपिका अग्रवाल। चार घंटे की बारिश से पूरा शहर खराबोर हो गया। रायचूर नहीं, पूरे जिले में पानी ही पानी और शहर तो एक टापू में तब्दील हो गया। देर रात से हो रही भारी बारिश से जहां रायसेन जिले का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं हर तरफ नदी नाले उफान पर हैं। रायसेन का बरेली, भोपाल और विदिशा से सड़क संपर्क टूट गया है। जहां शहर की कॉलोनियां निचली बस्तियों में पानी भर गया है। रायसेन विदिशा के पगमेश्वर पर 10 फीट पानी और बरेली के बांधना पुल पर लगभग 6 फीट पानी। इसी तरह रायसेन मार्ग पर दरगाह के रस्ते पर 8 फीट पानी आ गया है। रायसेन में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। रायसेन एक टापू में तब्दील हो गया है। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। बड़ा त्यौहार रक्षाबंधन होने की वजह से बहनें रास्ते में ही रुकी हुई हैं, अपने घर नहीं पहुंच पा रही। रायसेन से एक्सप्रेस रिपोर्टर इलियास खान। जावा में लगातार दो दिनों से हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ गए हैं। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नदियों और रस्तों को पार कर रहे हैं। जावा में लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ गए हैं। बहादुर सागर तालाब ओवरफ्लो होने से कॉलेज मार्ग सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिया गया है। वहीं बस स्टैंड से कलेक्टर मार्ग को जोड़ने वाले नाले में बहकर आया आयशर ट्रक पुलिया में अटक गया है। जावा की अनाज, सापन और माही नदियां पूरी तरह से तेज भावों के साथ उफान पर आ गई है। लोग अपनी जान की परवाह किए बिना पुलों को पार कर रहे हैं। थानला के कुछ घरों में पानी घुसने से तेलते बर्तनों के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। लोग मोटर लगाकर पानी को बाहर निकाल रहे हैं। बारिश के अलर्ट के बावजूद प्रशासन के इंतजाम नाकाफी नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर खासी नाराजगी है। मनीष गिरधानी, एक्सप्रेस रिपोर्टर, झाबुआ। लगातार तीन दिनों से बारिश होने से थानला में तीन तालाब टूट गए, जिससे किसानों की फसलें बर्बाद हो गई और जंजीर अस्त हो गए। पिछले दो दिनों से थानला में चल रही मूसलाधार बारिश के चलते ग्राम टिम्बरवानी में वन विभाग के दो आरएस का एक तालाब फूट गया। तालाब के फूटने से कई किसानों की खेती और घरों में पानी घुस गया। खेतों में पानी घुसने से किसान की फसलें बर्बाद हो गई। मौके पर पहुंचे अधिकारी ने बताया कि पिछले वर्ष से ही इन तालाबों का निर्माण किया गया था। पानी के तेज बहाव के चलते टूटे इन तालाबों का पानी लोगों के खेतों में घुस गया, जिससे मक्का और कपास की फसलें बर्बाद हो गई। तालाब के पास के खेतों में किसानों की खड़ी सारी फसलें पानी में डूब गई। गांव के ही कुछ घरों में पानी घुस गया, जिससे लोगों के कच्चे मकान में रखा सारा सामान और अनाज भी। इतना बड़ा नुकसान होने की वजह से न तो सरकार का कोई जिम्मेदार अधिकारी वहां पहुंचा है और न ही कोई जनप्रतिनिधि पहुंचा है। इसे लेकर वहां के किसानों में काफी नाराजगी नजर आई। थानला से एक्सप्रेस रिपोर्टर दशरथ कट्टा। जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं लोग, नहीं है उन्हें प्रशासन और सरकार का डर। दमोह जिले में बारिश की वजह से अब लोग जिंदगी दांव पर लगाने मजबूर हैं। या यह कहें कि लोग शौक में या किसी स्टंट को दिखाने के लिए नहीं लगा रहे, बल्कि मजबूरी में उन्हें यह सब करना पड़ रहा है। हम कह सकते हैं कि सूबे की सरकार और प्रशासन किसी बड़े हादसे के इंतजार में बैठा है। दमोह जिले के पथरिया में सुनार नदी के ऊपर बने रेलवे के पुल पर बारिश के दिनों में यह नजारा आम बात है। वो इसलिए क्योंकि मुद्दत पहले यहाँ बनाया गया आम रास्ते का पुल जरा सी बारिश में डूब जाता है और लोगों को इस पार से उस पार तक जाने कोई रास्ता नहीं है। लिहाजा आम रास्ते वाले पुल पर पानी आया तो फिर बच्चे, बूढ़े, जवान सभी रेल की पटरियों वाले पुल का ही इस्तेमाल करते हैं। उन्हें पता है कि वह जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं, लेकिन मजबूरी यह करने को उन्हें मजबूर कर देती है। बहरहाल अब देखना होगा कि जब ये तस्वीरें सामने आई हैं, तब शासन प्रशासन इस पर क्या रुख अपनाता है या फिर कोई बड़े हादसा होने का इंतजार करता है। प्रशांत चौरसिया, एक्सप्रेस रिपोर्टर, दमोह। रोहनी क्षेत्र में लगातार तीन दिनों से हो रहे भारी बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहा है।
पूरा मामला लोधी नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 7 और 13 का सामने है, जहां पर 3 दिनों से हुए भारी बारिश के चलते पूरा वार्ड जलमग्न हो गया है और इसकी शिकायत लगातार नगर वासियों के द्वारा नगर पंचायत के वरिष्ठ अधिकारियों से की गई है, लेकिन बारिश के पहले किसी तरीके से कोई उपाय नहीं किए गए थे। लिहाजा यह है कि आज पूरा वार्ड तालाब में तब्दील होते हुए नजर आ रहा है। वहीं इसको लेकर नगर पंचायत के अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने पानी निकासी के लिए जल्द ही उचित व्यवस्था करने का आश्वासन दिया है। लोधी से संदेश ठाकुर। इसी से रजकमाल अंडरग्राउंड खदान में ब्लास्टिंग से रिहायशी इलाका काफी प्रभावित हो रहा है। एक निजी स्कूल में वोल्ट पंप नीचे गिर गया, इससे जो है रिसाव गैस होने लगा। घटना की सूचना पर प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, जहां जांच कार्रवाई जारी है। कोरबा जिला एक औद्योगिक नगरी है, जहां पूरा इलाका संयंत्रों से घिरा हुआ है। इस संयंत्र में एसीसीएल कोल माइंस भी है। रजकमाल एसीसीएल अंडर कोल माइंस भी उन्हीं संयंत्रों में से एक है, जहां अंडरग्राउंड कोयला उत्खनन किया जाता है। एसीसीएल रजकमाल कोल माइंस में कोयला उत्खनन करने ब्लास्टिंग किया जा रहा है, लेकिन इसका असर कोल माइंस से लगे रियासी इलाके में देखने को मिल रहा है। रियासी इलाके के एक निजी स्कूल में बोर पंप अंडरग्राउंड खदान के नीचे गिर गया। इस बात की जानकारी तब हुई जब खदान के अंदर काम कर रहे कर्मचारियों ने दिया। जब स्कूल प्रबंधन ने उस पंप को देखा तो पाइप से गैस बाहर आ रहा था, वहीं खदान की आवाज बाहर और बाहर का आवाज अंदर सुनाई पड़ रहा था। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने एसीसीएल प्रबंधन को देते हुए जिला प्रशासन को भी दिया, जहां तहसीलदार पटवारी की टीम मौके पर पहुंची और जांच कार्रवाई शुरू की। गैस को बंद करने के लिए खदान के अंदर से ब्लॉक किया गया। यही नहीं, रिहायशी इलाके के आसपास मकान जर्जर भी हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इसकी सूचना एसीसीएल प्रबंधन को देने के बावजूद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उनकी मांग है कि क्षतिग्रस्त मकानों का उचित मुआवजा दे और वही रियासी इलाके में अंडरग्राउंड उत्खनन न करे। एसीसीएल रजकमाल अंडरग्राउंड के महज 100 फीट के नीचे ही ब्लास्टिंग किया जा रहा है, इससे रियासी इलाका काफी प्रभावित हो रहा है। लोगों की माने तो उनके मकान क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, लोग दहशत में जी रहे हैं। इसी शिकार संबंधित विभाग किए जाने के बाद भी एसीसीएल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक्सप्रेस रिपोर्टर मनोज यादव, कोरबा। ग्वालियर शहर के 12 चौराहों पर ट्रैफिक को सुधार करने के लिए अब पुलिसकर्मी ऐसे वाहन चालकों पर नजर रखेंगे जो ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते हैं। दरअसल शहर में इन दिनों सुबह शाम लगने वाले जाम से लोग बहुत परेशान हैं। इस ट्रैफिक जाम से बचने के लिए यातायात पुलिस ने एक योजना तैयार की है और उसे जल्द ही लागू कर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधार किया जाएगा। यातायात पुलिस ने इसके लिए उन चौराहों को चुना है जिन पर सुबह दोपहर शाम को ट्रैफिक का दबाव ज्यादा रहता है। इन चौराहों को करीब 1 सप्ताह में बूथ रख दिए जाएंगे और उनके ऊपर LED लगाई जाएगी। उस पर भी ट्रैफिक के नियमों का प्रसारण होगा। शहर के सिंधे की छावनी, स्टेशन बजरिया, बारादरी चौराहा, हजीरा चौराहा, इंद्रगंज रोड, महाराज बाड़ा, किलागेट सहित ऐसे 12 चौराहे चिन्हित किए गए हैं जहाँ ट्रैफिक बूथ रखे जाना है। पुलिस के मुताबिक इन बूथ में सुबह और शाम तक पुलिसकर्मी ड्यूटी करेंगे। बूथ के ऊपर लाउडस्पीकर लगेगा। अंदर बैठा पुलिसकर्मी चौराहे पर वाहन चालकों की हर गतिविधि पर नजर रखेगा और वह यह देखेगा किस वाहन चालक ने गलती की है। ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर वाहन चालक की गलती पाए जाने पर बूथ में बैठा पुलिसकर्मी उस पर कार्रवाई कर सकेगा। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर धर्मेंद्र शर्मा। अन्नदाता आवारा गायों के चलते परेशान है। आवारा गाय किसानों की फसलें चर जाती है, जिससे किसानों का बड़ा नुकसान होता है। साथ ही आए दिन आवारा गायों के चलते सड़क हादसे होते चले जा रहे हैं। आवारा गायों को आश्रय देने के लिए कमलनाथ सरकार ने गौशाला बनाने की घोषणा की थी। भिंड जनपद में 5 जगह चिन्हित कर ली गई है, लेकिन इनमें काम शुरू नहीं हो सका। किसान आवारा गायों के कारण परेशान है, क्योंकि इनकी फसल गाय चर जाती है। किसान दिन रात मेहनत करके अपनी फसल गायों से बचाता है, जिसके कारण वह अपने दूसरे काम धंधे भी नहीं कर पाता है। आवारा गायों के चलते ही प्रदेश में भाजपा सरकार से किसानों ने मुक्ति दिलाई है। अब कांग्रेस सरकार इस ओर यदि ध्यान नहीं देती है तो कांग्रेस को आने वाले समय में बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जो किसान आर्थिक रूप से सक्षम होते हैं वो तो खेत के आसपास तार फेंसिंग कर लेते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से जिन किसानों के पास तंगी रहती है वो अपने खेत की तार फेंसिंग नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण गाय उनकी फसल चर जाती हैं। उपर पंचायत भिंड में गौशाला बनवाने के लिए जगह तो चयन की गई है, लेकिन अभी निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है। देखना ये होगा कि अब किसानों को कब आवारा गायों से निजात मिल पाएगी। राघविंद्र सिंह, एक्सप्रेस रिपोर्टर, उमरी। यहाँ बरसते पानी में वृद्ध को
मौत के बाद भी अंतिम संस्कार के लिए किस तरह झुकना पड़ा आपके सामने है। आग के आगे और पानी के आगे किसका बच चला था, फिर भी हिम्मत न हारते हुए किसानों ने तिरपाल लगाई, पल्लों का सहारा भी लिया, पर किसी की न चली। आखिरकार हताश लोगों ने मायूसी भरा मन के आगे एक सवाल उठा कि एक तरफ बरसता पानी तो दूसरी ओर आग, आखिर करे तो क्या करे। लेकिन फिर भी किसी ने नहीं हारी हिम्मत और ताबड़तोड़ लोहे की टीन और चद्दर लाए और बगैर खुद की जान परवाह किए वृद्ध पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार कर चैन की सांस ली। आखिर मरने के बाद भी पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए क्यों झुकना पड़ता है? एक्सप्रेस रिपोर्टर अनिल बैरागी उज्जैन। पत्थरगांव सिविल अस्पताल परिसर में लगातार हो रही मोटरसाइकिल चोरी की घटना को लेकर यहां के नागरिक काफी परेशान हैं। पत्थरगांव के सिविल अस्पताल में इलाज कराने दूर दराज के लोग पहुंचते हैं। उन्हें भरोसा रहता है कि यहां आने के बाद सब कुछ सुरक्षित रहेगा, लेकिन यहां कई मरीजों के परिजनों के साथ नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। पीड़ित पक्षों का कहना है कि अस्पताल परिसर से मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं आम बात है, यहां वाहनों की सुरक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है। वे मरीजों के स्वास्थ्य को लेकर परेशान रहते हैं। इधर बदमाश दुपहिया वाहन को अपना निशाना बनाते हैं। ग्रामीणों ने अस्पताल प्रबंधन से मरीजों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के साथ वाहनों की सुरक्षित पार्किंग व्यवस्था कराए जाने की मांग की है। हालांकि इस चोरी की घटना की जानकारी ना तो अस्पताल प्रबंधन को है और ना ही पुलिस को है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि शिकायत के बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं करती, मतलब साफ जाहिर है कि लोगों का पुलिस के प्रति विश्वास उड़ चुका है। पत्थरगांव से एक्सप्रेस रिपोर्टर मनोज अम्बस। सिलवानी से भोपाल मार्ग स्टेट हाईवे 44 के जमुनिया घाटी पर भूस्खलन, सड़क क्षतिग्रस्त और रेलिंग न होने से आए दिन हो रहे हैं हादसे, प्रशासन नहीं दे रहा है ध्यान। सिलवानी से गैरज भोपाल स्टेट हाईवे NH44 के जमुनिया घाटी, जिसे नगर के लोग मौत की घाटी के नाम से भी जानते हैं, इन दोनों घाटी पर दुर्घटनाओं का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन हो रही दुर्घटनाओं को लेकर सिलवानी नगर के लोग चिंतित हैं। सिलवानी के जमुनिया पुल से लेकर जमुनिया घाटी तक ऊंचे पहाड़ होने की वजह से कई बार पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर भूस्खलन होने के कारण पहाड़ों से गिरकर सड़कों पर आ जाने से और सड़क की कई जगह साइड कट जाने से वाहन चालक इन पत्थरों से टकराकर कई बार घायल भी हो चुके हैं। पिछले 5 सालों में जमुनिया घाटी पर सड़क दुर्घटनाओं में 100 से ज्यादा दुर्घटनाओं में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन फिर भी स्थानीय प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन के आला अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं सड़क निर्माण कंपनी MPRDC द्वारा लगाए गए संकेत बोर्ड न होने और सड़क किनारे लगी रेलिंग भी कई जगह से क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण स्टेट हाईवे 44 जमुनिया घाट पर दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही है, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सिलवानी नगर के लोगों द्वारा स्थानीय प्रशासन से लेकर जिले के आला अधिकारियों से भी शिकायत की थी। सड़क के मोड़ों को सीधा किया जाए व संकेत बोर्ड लगाए जाएं, क्षतिग्रस्त सड़कों का मरम्मत कार्य कराया जाए जिससे कि दुर्घटनाएं न हो, लेकिन फिर भी स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली, जिसके चलते वाहनों में सफर कर रहे यात्रियों को हादसे का डर बना रहता है। नगर के लोगों का कहना है कि लगता है कि प्रशासन कोई बड़े हादसे के इंतजार में है। जमुनिया घाटी पर पिछले 5 सालों में सड़क दुर्घटनाओं में 20 से ज्यादा मौतें, 100 से ज्यादा दुर्घटनाएं हुई हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। सिलवानी से एक्सप्रेस रिपोर्टर शिव कुमार रघुवंशी। नगरी क्राइम ब्रांच अधिकारी बनकर लोगों के संग धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों को क्राइम ब्रांच ने आज गिरफ्तार किया है। इंदौर पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि नकली क्राइम ब्रांच अधिकारी बनकर एक महिला अपने साथियों के संग अवैध वसूली कर रही, जहां पर पुलिस ने महिला के साथ उसके अन्य साथियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल में पुलिस पूरे मामले में आरोपियों से पूछताछ कर रही है। फिलहाल में पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर अजय शेख। एक्सप्रेस रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए सोनाल एक्सप्रेस।